गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास नर्सरी का सब्जेक्ट इंग्लिश लेकर आई हूँ। ठीक है, पिछले वीडियोस में हमने सी बनाना सीखा था और इस वीडियो में हम लोग डी बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, ठीक है, जिससे आप लोग को अच्छे से डी बनाना आ जाए। चलिए आज हम लोग क्या बनाना सीखें, डी स्टार्ट करते हैं। ओके, डी, ठीक है, ये जो है हम लोग का डी है। चलिए, हम लोग हमेशा से ये पढ़ते हैं कि डी फॉर डॉग होता है, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम लोग उनको इंटरेस्ट बढ़ाना है, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। ठीक है, जिससे उनको समझ में और उनका इंटरेस्ट बढ़े और वो अच्छे से पढ़ें। ठीक है, चलिए, हम लोग हमेशा से आते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम लोग भी पढ़े हुए हैं, तो डी फॉर डॉग। ठीक है, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग होता है। चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, एक डॉग का फिगर बनाते हैं। ठीक है, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े। चलिए हम लोग फिगर बनाना स्टार्ट करते हैं। लाइक दिस, हमारा मेन मकसद क्या है, बच्चों को सिखाना। ठीक है, वो डॉग दिखेंगे ना तो उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो पढ़ने में इंटरेस्ट लाएंगे और वो पढ़ने की कोशिश करें और उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, डॉग, जैसे हम लोग बोलेंगे ना, अगर उनको डी याद नहीं होगा तो हम बोलेंगे डॉग, तो डॉग में डी आता है ना, डी साउंड कर रहा है, तो वैसे उनको जल्दी याद होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से हम लोग फिगर बनाते हैं। बन गया ना हमारा डॉग, इतना प्यारा सा, देखिए कितना क्यूट है। ठीक है, ये हम लोग का डॉग कितना क्यूट है ना डॉग। चलिए, ये क्या है, डॉग, डी फॉर डॉग, डॉग में डी साउंड हो रहा तो डी फॉर डॉग, ये क्या है, डॉग, डॉग कैसे होता है, डी से, डी फॉर डॉग। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से अब हम लोग डी बनाना सीखेंगे। ठीक है, चूँकि हम लोग ये नर्सरी क्लास का बना रहे हैं इसलिए हम लोग को पॉइंट या डॉट्स देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अपने बच्चों को डॉग से डी बनाना सीखेंगे। ठीक है, जैसे डॉग से डी बनाना सिखाने का मतलब है, हम लोग बोलेंगे ना डॉग, तो डॉग में डी साउंड कर रहा है तो उनको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग डी बनाना सीखते हैं। डी को भी हम लोग टू स्टेप में सीखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। हम लोग को बच्चे को कैसे समझाना है, सबसे पहले इस तरह की लाइनिंग करो जो हम लोग स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं, और फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे ऐसे घुमाएं। ठीक है, तो ऐसे उनको आसानी होगा बनाने में और याद करने में भी और समझने में काफ़ी आसानी होगा। ठीक है, इस तरीके का हम लोग डी बनाना सिखाएंगे और साथ में ये रिकॉग्नाइज करते चले जाएंगे कि ये जो हम लोग कर रहे हैं ये हम लोग का डी है। ठीक है, ये हम लोग का जो है डी है, क्या है, डी है। ठीक है, फर्स्ट पेज में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग लिखें और हम लोग बोलें और बच्चों को बोलें कि आप साथ में बस बोलो, ये जो हम लोग लिखे ये क्या है, डी, क्या है, डी। ठीक है, डी डी। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे दे देंगे ऊपर में और उनसे पूछेंगे, बताओ ये जो हम लोग लिख रहे ये क्या है, डी, ये क्या है, डी। ठीक है,
ये डी है, ठीक है। अब उनको बोलेंगे आप इसको देख के यहाँ पे लिखो, और हम लोग क्या करेंगे बीच में एक लाइनिंग कर देंगे, ठीक है, और इस तरह की लाइनिंग उनके कॉपी में कर देंगे, ठीक है, जिसे वो लिखें, और साथ में ये बोलते चले जाएंगे डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये क्या है डी, और वो लिखेंगे और बोलेंगे डी डी। उनको बताना है कि आप जितनी दफ़ा लिखो, जितनी टाइम लिखो, उतनी टाइम आप लोग उसको डी 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 बोलते चलो, अगर वो सुनेंगे बोलेंगे तो उनको जल्दी से माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। ये जो हम लोग लिख रहे हैं इस लेटर को हम लोग डी बोलते हैं, क्या है डी डी डी, ठीक है, डी डी डी, ठीक है। इस तरह का हम लोग बोलते चलेंगे, क्योंकि आज हम लोग ने ये डी बनाना सीखा और डी फॉर डॉग, ठीक है। इस तरह का हम लोग अगर बच्चों को पढ़ाएंगे ना तो उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और वो अच्छे से सीखेंगे और जल्द से जल्द उनके माइंड में सेट होगा, ठीक है। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, जैसे आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सको और अगर बच्चे ये वीडियो देखें तो उनका भी इंटरेस्ट बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और नया और इंटरेस्टिंग लेकर आऊँगी, ठीक है। आप एंड से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को इस तरह के पढ़ाएं और इस तरह का पढ़ा कर एक वीडियो बनाएं और उसे MS निरंकारी पब्लिक स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करें। डैट्स ऑल, थैंक यू।